प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी तो कर ली, लेकिन फेलियर नहीं है कि मध्य प्रदेश में था वो और वो कानपुर से उज्जैन तक करा गया सर, पर पता भी नहीं चला। देखिए पहले कल खबरें ही आई थी कि वो दिल्ली में है, फरीदाबाद में, फिर ये भी आई कि मध्य प्रदेश में है। हमारा तो ये कहना है कि मध्य प्रदेश इस तरह के गैंगस्टर का चारागाह बन गया है और कहीं ना कहीं उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध उत्तर प्रदेश में भी थे, जिसकी वजह से अभी तक वो बसता रहा और ये सामने भी बहुत से नाम आए और दूसरे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके संबंध रहेगा, इसीलिए उसने यहाँ आखिरी में ये मध्य प्रदेश में आया और उज्जैन आया। और ये तो मैं कहूँगा कि ये महाकाल एक का जो वो है, उनका जो प्रभाव है उसमें अच्छे अच्छे जो है जो सर गलत लोग जो शरण लेने जाते हैं वो उनका यही हाल होगा। और इसकी पूरे मामले की जांच होना चाहिए कि ये वहाँ से मध्य प्रदेश कैसे आया और कौन कौन उनके संबंध लोगों के नेताओं के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश किन किन से उनके संबंध। बीजेपी के नेता संरक्षण दे रहे थे, मतलब